हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मंगेश धर्मे, लेक्चरर इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक नागपूर. टुडे अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रॉब्लेम ऑन स्पिंडल ऑफ ड्रिलिंग मशीन. इन प्रीवियस लेक्चर वी सी प्रॉब्लेम ऑन अनसिमेट्रिकल लिंक. लर्निंग आउटकम that is achieved in today's lecture learner should be able to design the drilling machine spindle for given load and stress. मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, drilling spindle का diameter find out करना. So various program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, the program specific outcome that is achieved in today's lecture are PSO1 to PSO3. Design steps in short. तो आपको यहाँ पे क्या देखना है अभी, this is called as a drilling spindle. ये क्या है, drilling spindle है और ये है drilling spindle का area that is called as a circular. तो circular cross sectional area होने के कारण यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ पाई बाय 64 इनटू डी टू द पावर 4. तो अभी मुझे देखना है ड्रिलिंग स्पिंडल में कौन से टाइप का स्ट्रेस डेवलप होगा. तो यहाँ पे देखिए, जब मैं यहाँ पे ड्रिल करूंगा तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है. मतलब इक्वल एंड अपोजिट एक्ट हो रहा है, मतलब ये फोर्स कौन सा हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स. ओके, तो डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स अगर निकालना है तो मैं क्या फॉर्मुलाइज करूंगा, P डिवाइड बाय A. लेकिन यहाँ पे एरिया कितना रहेगा अभी आपका, पाई बाय 4 इनटू दिस, बिकॉज सेक्शन इज अ सर्कुलर, प्लस सिग्मा बी. सिग्मा बी इज इक्वल टू कितना होगा, M डिवाइड बाय Z. तो अभी देखते हैं पहले बेंडिंग स्ट्रेस की वैक्ट होगा, बिकॉज मैं यहाँ से ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको दैट इज अ ड्रिलिंग स्पिंडल का एक लीवर, ये क्या होगा, यहाँ से बेंड होने के चांसेस रहेंगे. दैट्स व्हाई द बेंडिंग स्ट्रेस इज आल्सो एक्टिंग इन दिस एरिया. दैट्स व्हाई द सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या रहता है, एम डिवाइड बाय जेड. तो एम कैसे निकालेंगे, फोर्स कहाँ से लग रहा है मेरा, यहाँ से. और मुझे अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो दिस फोर्स इनटू दिस इसेंट्रिसिटी और सेंट्रल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ड्रिलिंग स्पिंडल इज कॉल्ड एज अ बेंडिंग मोमेंट. तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा पी इंटू ई, देन अपॉन आई डिवाइड बाय वाई. तो आई क्या है मेरा, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आई डिवाइड बाय वाई. तो आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. ये कितना रहेगा, पाई बाय 64 इनटू डी टू द पावर 4 अपॉन डी डिवाइड बाय 2. मतलब ये डायमीटर का हाफ. तो इतना क्या रहेगा आपका, वाई रहेगा, बिकॉज वाई क्या रहता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू द न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस यहां से जा रहा है, ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, डी डिवाइड बाय 2. दैट्स व्हाई हियर डी डिवाइड बाय 2. तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया ये नोट डाउन करना है अपने कॉपी में, और आपके का जो प्रॉब्लम रहेगा ये इसी फॉर्मूले के ऊपर में डिपेंड रहेगा. ओके, नाउ राइट दिस फॉर्मूला ऑन योर कॉपी एंड स्टार्ट द प्रॉब्लम आफ्टर राइटिंग दिस फॉर्मूला. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द स्पिंडल of a drilling machines subjected to maximum load of 10 kN during operation. मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, स्पिंडल ऑफ ड्रिलिंग मशीन. तो इस पे जब आप ड्रिलिंग करेंगे तो इस पे मैक्सिमम लोड कितना आ रहा है, 10 kN का आ रहा है ये स्पिंडल पे. डिटरमाइन the diameter of solid cast iron column of the machine if tensile stress limited to 40 Nm/mm². मतलब आपको यहाँ पे किसका diameter find out करना है, ये इतना load आ रहा है 10 kN का, तो मुझे ये जो column का cross section है that is called as a circular cross section. मतलब इसको काटने के बाद क्या देखेंगे आपको, circular देखेंगे. मतलब ये कैसे है, it is like that. तो इसको जब मैं यहां से काटूंगा तो इसका सेक्शन क्या आएगा, ये सर्कुलर आएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट.
इफ टेंसाइल स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 40, मतलब इसमें टेंसाइल स्ट्रेस कितना आना चाहिए था, 40 न्यूटन पर mm², दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस. द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ स्पिंडल एंड द एक्सिस ऑफ कॉलम इज 330 mm, मतलब इस स्पिंडल से लेके इसका जो डिस्टेंस है ये कितना है, ई इज इक्वल टू 330 mm. ऑल्सो फाइंड द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कॉलम. तो ये अभी यहां पे ये फोर्स लग रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होगा ये वाले सेक्शन में, और सिमिलरली ड्यू टू दिस फोर्स दिस विल बी बेंड फ्रॉम, इट इज लाइक दैट, दैट्स व्हाई द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप. अभी देखिए मैं इसको ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, नीचे में तो फिक्स रहता है ये, तो ये क्या होगा, बेंड होने की कोशिश करेंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप इन दिस सेक्शन. तो अभी यहां पे अभी डाटा देखते हैं पहले, तो डाटा में आपको जो लोड लग रहा है पी कितना है, 10 kN है, दैट इज इक्वल टू 10 × 10³ न्यूटन. देन मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी गिवन है यहां पे, 40 N/mm², और जो ई है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्पिंडल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये कितना गिवन है आपको, 350 mm. नाउ नेक्स्ट, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस दैट इज सिग्मा डी, मतलब ये फोर्स की वजह से ये सेक्शन में कौन सा स्ट्रेस आएगा, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा डी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय ए. तो पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10 × 10³ डिवाइड बाय एरिया कितना रहेगा सर्कल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, π/4 × d². अगर ये रेक्टेंगुलर रहता है तो b × t. तो यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 / कितना है ये, 12.732. n^3 और निकालते इसको यहाँ पे, 10 × 10³ डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 12732.93395 अपॉन d², दैट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अभी मुझे निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस सिग्मा बी. सिग्मा बी की वैल्यू है m डिवाइडेड बाय जेड, तो m की वैल्यू कितनी रहेंगे अभी यहाँ पे, p × e. तो ये फोर्स कितना है आपका, 10 है, और ये फोर्स से लेके ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का डिस्टेंस कितना है, 330 है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिखूंगा p × e. और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जेड की वैल्यू क्या रहती है, π/32 × d³. तो यहाँ पे देखिए P की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 10 × 10³ 3
ई की वैल्यू गिवन है आपको 330 अपॉन पाई बाय 32 इंटू डी क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो सिग्मा बी आएगा ये कितना आएगा, यहां पे लिखता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 330 डिवाइडेड बाय शिफ्ट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 32। ये आ रहा है 336। ये आ रहा है 336 13 523.98 अपॉन डी क्यूब। ये इक्वेशन हो गया आपका 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपको यहां पे सिग्मा आर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस। ये रहेगा आपका सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। तो इक्वेशन 1 क्या था आपका सिग्मा डी के लिए, वो देखिए क्या था दिस इक्वेशन। तो यही इक्वेशन, सेम इक्वेशन आपको कहां पे डालना है अभी फॉर्मूले में, दिस इज फर्स्ट एंड दिस वन इज अ, ये जो आपका इक्वेशन दिख रहा है दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। ये दोनों वैल्यू यहां पे डालते हैं अपन अभी, दैट इज 1 2 732.395 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 336135.23 90 अपॉन डी क्यूब। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। और सिग्मा आर की वैल्यू जो आपको गिवन है ये कितनी गिवन है, यहां पे देखिए सिग्मा टी इज इक्वल टू 40, वही क्या रहेगा आपका सिग्मा आर। तो अभी इसको कैल्सियम में सॉल्व कैसे करना है आपको पता है, पहले प्रॉब्लम में भी आपने देखा है। तो यहाँ पे मैं पूरी वैल्यू डालूंगा अभी, दैट इज 1 2 7 3 2.395 डिवाइडेड बाय अल्फा ए होल स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है इसमें, 336135.23.90 डिवाइड बाय अल्फा ए रेस्ट टू द पावर 3, अल्फा इज इक्वल टू 40। नाउ आपको दबाना है शिफ्ट सॉल्व एंड शिफ्ट सॉल्व, वेट फॉर सम टाइम। नाउ इन सम केसेस आपको ये कांड सॉल्व करके आंसर आएगा, कोई कोई कैल्सियम में, अभी ये आउटडेटेड कैल्सियम है इसलिए यहाँ पे कांड सॉल्व आया है, मे बी आपके कैल्सियम में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ होता है कैल्सियम में तो इसके आगे में आपको क्या करना है अभी अपन आगे में देखेंगे। नाउ बाय ट्रायल एंड एरर मेथड डी इज इक्वल टू 95 mm। तो यहां पे देखिए अभी मैंने डी 95 क्यों लिया है, तो यहां पे मैं अभी सॉल्व करके देखता हूं इक्वेशन, दैट इज अभी आपको इसको अगर इक्वेट करना है तो कैसे करूंगा मैं, 40 दैट इज लेफ्ट हैंड साइड 1 2 7 3 2.395 अपॉन 95 होल स्क्वायर प्लस 336135
23.90 upon 95 whole square raised to the power 3, sorry. तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ 12732.395 डिवाइड बाय 95 स्क्वायर प्लस 33613523.90 डिवाइड बाय 95 रेस्ट टू द पावर 3। तो अभी मेरा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 40.61। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 40 इज इक्वल टू 40.61। मतलब क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, नियर बाय सेटिस्फाइड हो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम अज्यूमिंग डी इज इक्वल टू 95 में। तो आप अभी 95 कैसे लेंगे डायरेक्ट, तो सबसे पहले आप यहाँ पे 60 डाल के देखो, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड करो, बाद में 70 डाल के देखो, तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितना वेरिएशन आ रहा है। तो उसके हिसाब से आपको डी की वैल्यू एक तो इंक्रीज करना है या फिर डी की वैल्यू यहाँ पे क्या करना है आपको डिक्रीज करना है। अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीज करूंगा वैल्यू डी की वैल्यू, तो ये क्या होते जाएंगी, लोअर होते जाएंगी। वाई, बिकॉज डी इज इन द डिनोमिनेटर। अगर डी की वैल्यू मैं डिक्रीज करते जाऊंगा तो ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है ये क्या होते जाएंगी आपकी, इंक्रीज होते जाएंगी। ओके तो एक पॉइंट पे आपके आपको रुकना है जहां पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो अपन इससे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन नियर बाय अबाउट वैल्यू अपन इस इक्वेशन से या फिर इस मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग डी एज अ 95 mm। ये कब करना है आपको, जब आपका कैल्सियम में ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, देन एंड देन ओनली यूज दिस मेथड, अदरवाइज बाय यूजिंग कैल्सी यू कैन फाइंड आउट द डायमीटर डी। नाउ नेक्स्ट, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस निकालना था आपको। दैट इज सिग्मा डी इज इक्वल टू पी अपॉन पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी है, 10×10⁻³ अपॉन पाई बाय 4 इंटू 95 स्क्वायर, जो मैंने अभी कैलकुलेट की है। तो यहाँ पे निकलते हैं 10×10⁻³ डिवाइडेड बाय शिफ्ट ऑफ पाई डिवाइड बाय 4। तो पाई डिवाइड बाय 4 इंटू 95 स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। तो ये आया मेरा 1.410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यही आपको प्रॉब्लम में पूछा था और लास्ट में पूछा था आपको बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इज इक्वल टू। तो ये कितना है मेरा, ये इक्वेशन आप यहाँ पे लिख लो क्योंकि ये बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से अपन सॉल्व कर लेंगे। दैट इज इक्वल टू 33613523.90 डिवाइडेड बाय डी क्यूब। तो डी की वैल्यू यहाँ पे रख दो 33613523.90 डिवाइडेड बाय 95 रेस्ट टू द पावर 3। तो ये जो मेरा इक्वेशन आएगा, अभी यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा 33613523.90 डिवाइडेड बाय 95 रेस्ट टू द पावर 3 इज इक्वल टू 39.205। तो ये स्ट्रेस कितना आ रहा है मेरा, 39.205 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब आपकी प्रॉब्लम में ये थर्ड वैल्यू हो गई, यही आपको फाइंड आउट करना था और ये
डी का वैल्यू, मतलब आपने क्या क्या फाइंड आउट किया, डी सिग्मा डी एंड सिग्मा बी, यही आपको प्रॉब्लम में पूछा था। देखिए आल्सो फाइंड आउट द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेस ड्यू टू द बेंडिंग। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। The unit outcome achieved in today's lecture is write the design procedure for given joint. जैसे आपने यहाँ पे design procedure देखा है drilling spindle का। Summary of today's lecture. Here we found out the different dimension for drilling spindle for given load and stress. जैसे आपने यहाँ पे क्या find out किया है, diameter of the drilling spindle. Various program outcome achieved in today's lecture are PO1, because here we are using the basic science and mathematics knowledge to calculate the stress. PO2, because here we are using the mechanical engineering knowledge to calculate the stress. PO3, because student can perform the various experiments on the drilling spindle. PO4, here we analyze the drilling spindle to calculate the stresses. PO5, because while designing the drilling spindle we are taking so much safety precaution. PO8, because student can perform the design procedure of the drilling spindle or solve the problem on drilling spindle in team or in group, that's why the PO8 is achieved. PO9, because student can share their knowledge to its peers, that's why PO9 is achieved. PO10, because student can utilize the knowledge of solving the problem on drilling spindle or designing the drilling spindle throughout its life, that's why PO10. PSO1, because here we are using the different software for designing the drilling spindle. PSO2, because student can analyze the drilling spindle for analyzing the various kind of stresses acting on the drilling spindle. PSO3, we are applying, student can apply the different drilling spindle in different application of the mechanical engineering, that's why PSO3. The important question asked in the MSBT exam is the spindle of drilling machine is subjected to a maximum load of 10 kN during its operation. मतलब यहाँ पे कितना लोड लग रहा है आपका, 10 kN. Determine the diameter of the solid cast iron column. तो आपको क्या करना है, ये जो diameter है ये find out करना है solid cast iron column का, that is small d. If the tensile stress is limited 40 Newton per mm square. मतलब आपको क्या दिया है, इसमें जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आ रहा है, दैट इज द समेशन ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड द बेंडिंग स्ट्रेस, ये कितना आ रहा है आपका 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल, मतलब ये वाला एक्सिस हो गया, एंड द एक्सिस ऑफ द कॉलम, मतलब ये एक्सिस हो गया, दोनों का डिस्टेंस कितना दिया आपको 330 mm. आल्सो फाइंड द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, मतलब आपको डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करना है ये जो दिख रहा है, और बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है जो यहाँ से ये कॉलम बेंड होंगे. ओके, तो यही प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट में सॉल्व करना है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी द प्रॉब्लम ऑन ऑफसेट लिंक एंड ऑफसेट. थैंक्स फॉर एनी क्वेरी, कॉन्टेक्ट टू मी एट 9359877739.